हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube वीडियो में। दोस्तों, अपने ब्लॉग को गूगल सर्च रिजल्ट में रैंक करवाने के लिए हमको साइट मैप को अपने ब्लॉग के साथ ऐड करना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि कैसे आप अपने साइट मैप को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करोगे और कैसे अपने ब्लॉग के अंदर ऐड करोगे। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आपको ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाना है। यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। सेटिंग पर आपको यहाँ पर आ जाना है। customrobots.txt पर आ जाना है। यहाँ पर पहले से ही मेरा जो साइट मैप है मैंने ऐड कर दिया था, तो यहाँ पर आपको सब क्लियर कर देना है। यहाँ पर सब क्लियर करने के बाद आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। देख लीजिए ये वेबसाइट का एड्रेस क्या है, labnol.org। इस पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग का URL को देना है। फिर जनरेट XML साइट मैप पर आपको टाइप करना है। उसके बाद जनरेट ये वेबसाइट को पूरी जनरेट कर देगी। तो यहाँ से आपको पूरा जो ये है, ये पूरा जो टेक्स्ट है यहाँ से कॉपी कर लेना है। ध्यान रखिएगा एक भी वर्ड छूटने ना पाए। यहाँ से कंट्रोल सी करके इसको मैं कॉपी करके यहाँ customrobots.txt में पेस्ट करके इसको सेव कर देना है। ये थोड़ा टाइम लेता है, 24 घंटे मैक्सिमम जो टाइम होता है इसको अपडेट होने में लगता है। फिर यहाँ से ये ऐड करने के बाद अब हम गूगल सर्च कंसोल में जाएंगे। यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल में जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पर लिखा आएगा साइट मैप्स को, साइट मैप्स का ऑप्शन होगा। साइट मैप्स में देखिए यहाँ पर लिखा रहा है https://www. ये मेरे ब्लॉग का जो एड्रेस है .xyz, और यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा लिखना है sitemap.xml लिखकर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर ये गॉट इट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा आएगा जैसे स्टेटस, अभी मेरा कुड नॉट फेच है। ये 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम जो टाइम होता है इसको अपडेट होने का 24 घंटे लेता है गूगल सर्च कंसोल में। तो यहाँ पर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो यहाँ जैसे नीचे मैंने पहले भी सबमिट किया था तो सक्सेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटस सक्सेस नज़र आ रहा है। कुछ टाइम बाद यहाँ पर भी सक्सेस नज़र आएगा आपको। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और ब्लॉगर से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।